जय श्री सीताराम। 12 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा? साप्ताहिक भविष्यफल क्या होगा? वीकली राशिफल क्या होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। देखिए, हमेशा की तरह विस्तार से, आराम से मैं बताऊंगा। कई सारे दर्शक कहते हैं, सर आप आराम से धीरे धीरे बताते हैं सारी चीजें। देखो मैं पहले बहुत तेज बोलता था, तो कई सारे दर्शक कहते थे, सर आप बहुत तेज बोल जाते हो, धीरे धीरे बोला करो। अब मैं धीरे कहता हूँ तो कई सारे दर्शक कहते हैं, सर आप बहुत ही स्लो हो जा रहे हो, एक बात को रिपीट कर रहे हो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि समझ नहीं आता। हालांकि ऑब्वियसली आपके विचार, आपकी सलाह, फीडबैक जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार वो करना होता है जो आपके लिए सही है, भले ही आप कहें कि ऐसा मत कीजिए। जैसे हम डॉक्टरों कहते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाइए, लेकिन भाई जरूरी है तो लगाना पड़ेगा। तो बस वही वाली बात है। तो सुनिए, जैसा मैंने बहुत गहरे विश्लेषण के बाद ये राशिफल बनाया है, इस बात को ध्यान में रख के सुनिए। डबल रिपीट यदि कर रहा हूं तो भी सुन लीजिए। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि भाई गहन विश्लेषण के बाद मैंने ये राशिफल बनाया है, तो देखें मैं आपको एक बात समझा दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी बस वीडियो बनाने से पहले मैंने विश्लेषण किया और आपके सामने ये बात रख दी। पिछले 1 या 2 दिन से मैं इसमें लगा हुआ था और उसके बाद में जो राशिफल निकल करके आया उसे मैंने अपने हाथों से लिखा और उसके बाद आपको मैं ये बता रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। मैं वो कंप्यूटर पर लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको पढ़ पढ़ के बोलते हैं, वैसा मुझसे बनता ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। मैं थोड़ा सा इस किस्म में जमीनी व्यक्ति हूँ, तो मैं लिखता हूँ और फिर आपको जो भी लिखा है वो बताता हूँ। चलिए, बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस बात का आप ध्यान रखिए, फिर अपन राशिफल पर चलेंगे। वो बात ये है कि जो जो भी राशिफल होते हैं, जहां पर भी आप देखते हैं, जहां पर भी सुनते हैं, जहां पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर मानने की वजह यह है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। जी हाँ भाई, देखिए सीधी सी बात है, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, है ना, तो मैंने फिर किस आधार पर ये राशिफल बनाया? तो मैंने ये राशिफल बनाया आपकी चंद्र राशि के आधार पर। आपकी जो चंद्र राशि है वो मुझे पता है, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो वो मुझे पता है, और ग्रहों के गोचर मुझे पता है। भाई ग्रह इस ग्रह में, इस राशि में, इसी समय गोचर कर रहे हैं, कब वक्री हो रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं। तो उस आधार पर जो है आपकी राशि के ऊपर क्या, कैसा, किस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का गोचर, नक्षत्रों का भ्रमण प्रभाव डाल रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर इस राशिफल में बताया। तो ये सार्वजनिक स्तर पर है। क्यों? क्योंकि मेष राशि बहुत सारे लोगों की होने वाली है ना भाई, मेष राशि बहुत सारे लोगों की होगी। लेकिन यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई परफेक्ट, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है ना। तो आपको जीवन में कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन ही करवाना चाहिए। हाँ ये है कि रोजमर्रा के डिसीजंस आपको लेना है, या कोई बहुत महत्वपूर्ण कुछ आप अलग नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो जरूर से आप इन राशिफलों को देख सकते हैं और इसके आधार पर जो भी प्रेडिक्शंस मिलते हैं या जो करने को आपसे कहा जाता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बताना आपके लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि मुख्यतः तो आपकी कुंडली का एनालिसिस ही होता है ना। आप कहीं पर भी राशिफल देखें, मेरी इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर पर आपकी राशि चूंकि मेष है, तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के लिए एक बात बहुत अच्छी कहने जा रहा हूं, वो ये कि यश में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है ना। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो क्या होता है भाई, कब होती है प्रतिष्ठा में वृद्धि, कब होती है? तो प्रतिष्ठा में वृद्धि तब होती है जब आप
जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह से आप जो है वो सॉल्व कर लें, पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें, या फिर आप बिजनेस करते हैं, आपको आपका ऑर्डर या फिर जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको मिल जाए, हाँ आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे अंक आ जाएं, हाँ या नौकरी लगना चाहते हैं लग जाए, जो कार्य आपको दिया गया उस कार्य को आप बखूबी निभा लें, किसी प्रकार का वो कार्य हो, तो उस वजह से आपके भाग्य में हो जाती है वृद्धि। मेरा कहने का मतलब, भाग्य में जब वृद्धि होती है, जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप सफल होते हैं, तो फिर प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिष्ठा वृद्धि का योग है, यश वृद्धि का योग है, और इसी के साथ साथ सम्मान मान सम्मान वृद्धि का योग है, सफलता का योग है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप सफल होंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपकी सफलता मुझे यहाँ पर निश्चित बनती हुई नजर आती है। तो मेहनत ज़्यादा करिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है और वो एक बात है थोड़ी सी नेगेटिव, वो बात यह है कि घमंड की स्थिति, घमंड ईगो, एक कई बार होता है कि हम कोई कार्य करते हैं और लगातार जब हम सफल होते हैं तो एक घमंड आ जाता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, जाओ तुम, है ना। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस स्थिति से आपको ज़रा निकलना पड़ेगा। ये घमंड वाली स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो बन सकती है, तो इस बात से ज़रा आपको निकलना है। हाँ, इससे आप यदि निकल जाते हैं तो मैं एक बात और ये कहता हूँ कि मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग होगा तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जो स्थिति है, हाँ पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने जो रिश्ते कहीं टूट गए थे या दूर हो गए थे या मिल नहीं रहे थे, वो मिलने के योग हैं। भाई भारतीय परिवारों में मांगलिक प्रसंग का मतलब ही ये होता है कि सबका मिलना, हाँ गेट टुगेदर। यदि सब लोग नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो मांगलिक प्रसंग है ही नहीं। भारतीय परिवारों की बात कर रहा हूँ, तो निसंदेह मांगलिक प्रसंग मतलब पुराने लोगों का मिलना, हर्षोल्लास, खुशी, ढोल ढमाके, मज़ा, है ना, बहुत ज़्यादा चहक महक, है ना, बहुत ज़्यादा बातें, चू 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 चू, यही हमारा भारतीय परिवार है, भारतीय समाज है, और ऐसी कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से समय मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। ऑल ये वक्त आपके लिए अच्छा जगह, केवल एक जो बात मैंने आपसे कही है, अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने मैं शब्द को जो है थोड़ा सा साइड में रखने का प्रयास कीजिएगा, बाकी सारी स्थिति आपकी बेहतर है, अच्छी है, ठीक है। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि किसी पर भी विश्वास करने का यह वक्त नहीं है, किसी पर भी आपको इस समय विश्वास नहीं करना है। हाँ अच्छा, किसी का क्या मतलब, मैंने एक बार मैं कंसल्टेशन दे रहा था तो उनसे भी इसी प्रकार का शब्द कहा कि किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना, तो उन्होंने कहा सर मम्मी पापा पर भी नहीं अरे मैंने कहा वो तो आपको जीवन देने वाले हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सगे भाई बहन, है ना, कई कई कुछ केस में होता है जब आपकी उम्र बहुत, कई बार मैं देखता हूँ उम्र बहुत बड़ी हो जाती है तो सगे भाई बहन भी कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं, लेकिन छुटपन में तो सगे भाई बहन भी कभी किसी प्रकार से धोखाबाजी नहीं करते हैं, जब तक पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होती है या नई नई शादी हो रही हुई होती है। तो इन लोगों पर विश्वास आप करिए, एक या दो आपके मित्र हो सकते हैं, इन लोगों पर विश्वास करिए, एक या दो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं किस्मत से, उन पर आप विश्वास करिए, बाकी किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई जानकारी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई ज्ञान, कोई नॉलेज, कोई 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 चीज़ गुम हो सकती है, खो सकती है, वो हो सकता है पासवर्ड हो, है ना, आजकल पासवर्ड्स ही होते हैं अधिकतर, तो हाँ तो हो सकता है वो पासवर्ड हो सकता है कोई गोपनीय जानकारी, भाई ऐसी कोई जानकारी है जो आपकी पत्नी को पता चल गई, जो आपके माता पिता को पता चल गई, है ना, आपके पति को पता चल गई, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ तो थोड़ा सा इस बात का भय हो सकता है, तो किसी पर विश्वास, अति विश्वास नहीं करना है, विश्वास भी कम ही करना है, और अपने जो भी महंगी चीज़ें हैं, कोई जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है इस समय,
क्योंकि वो हो सकती हैं, गुम हो सकती हैं, ऐसे योग भी हैं आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और चोरी हो सकता है ना, ये भी एक है। लाभ आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हैं, और निसंदेह कुछ ना कुछ आपका एक उद्देश्य है ना, आपका उद्देश्य होगा बिजनेस में ऑब्वियसली बड़ा ऑर्डर पाने का, ज्यादा कस्टमर्स का आपका उद्देश्य होगा, ज्यादा सेल का आपका, आप नौकरी करते हैं आपका उद्देश्य होगा इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का है ना, नया अच्छा प्रोजेक्ट मिलने का, या कई बार स्थानांतरण का, अच्छे अंक लाने का यदि आप स्टूडेंट हैं तो, है ना, तो आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में मुझे कहीं ना कहीं कमी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लाभ कम होगा, अच्छा लाभ नहीं होगा या घाटा होगा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, तो इसे इस वे में भी मतलब कि कुछ कुछ बहुत दिक्कत होने वाली, कोई परेशानी होने वाली, नौकरी छूट जाने वाली है, बिजनेस खत्म हो जाने वाला है, वो बात नहीं है। आप 100 रुपये का लाभ चाहते हैं तो 100 का ना होकर के 50 का हो रहा है ना, डीले हो रहा है, देरी हो रही, रुकावट हो रही, तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि निराशा आती है, हताशा आती है, तो निराशा और हताशा से ही आपको बचना है, निराशा हताशा से आप बचिए। हालांकि आपका जो परिवार है, जो डायरेक्ट फैमिली है, जिनके बारे में शुरुआत में बात कर रहा था, आपके माता पिता, सगे भाई बहन, आपके पति पत्नी बच्चे, इनसे सुख है, इनका साथ है, इनका भरपूर आपको साथ मिलेगा, तो दुनिया आपके विपरीत हो जाए, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, ये लोग आपके साथ में रहने वाले हैं तो कोई भी चिंता की बात आपके साथ नहीं, तो पारिवारिक तौर पर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि की बात, मिथुन राशि की बात हम अब करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूँ तो कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, घूमने फिरने आप कहीं जाएंगे भी, और यदि कहीं आप घूमने फिरने जाते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा, है ना, जैसे घूमने फिरने जाने में क्या लाभ, तो मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कि आप अकेले कहीं जा रहे हैं शांति पाने, या कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, कोई किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, तो भाई उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं ना कि मुझे आशीर्वाद मिले, तो वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। हो सकता है आप शांति पाने जा रहे हैं तो शांति आपको मिलेगी, सुकून मिलेगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों में बॉन्डिंग बढ़ेगी, हो सकता है डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो आपके जो है वो आपको फायदा मिलेगा, हो सकता है आप नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी के काम से जा रहे हैं या बिजनेस के काम से जा रहे हैं, तो वहां पर आपको फायदा मिले। तो और मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ आपके लिए कि आप जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ मिले, ऐसे योग मिथुन राशि के लिए बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि लाभ के योग हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, भाई लाभ का मतलब सफलता, तो जो भी कार्य आप करते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको उस कार्य में सफलता, आपको उस कार्य में उन्नति देखने को मिल जाएगी, है ना। और वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना, जैसे मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती है ना, हो सकता है आप खरीदना चाहते हो सकता है बनाना चाहते हो, तो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश भी मुझे यहाँ पर दिखता है, एक बात ये भी है। और जैसे मोबाइल या जो भी चीज़ें जो आ, आ, इन्वेस्ट करके आती है, जो पैसा कहीं लगाएं और फिर आपको चीज़ें मिले, तो वैसे योग हैं। अच्छा, एक अच्छी बात मैं और बताता हूँ मिथुन राशि के लिए कि यदि कहीं आप शेयर मार्केट में इस बीच में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, है ना। तो और मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए वक्त अच्छा है, वक्त अच्छा है, इस वक्त का बहुत आपको फायदा उठाना है, मेहनत ज्यादा करना है और सफल बनना है। मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है, और बुध महाराज जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बात आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएं इस बात को ये रिप्रेजेंट करते हैं बुध देवता। तो एक और चीज यहाँ पर मिथुन राशि के साथ साथ जरूर दिखती है कि आपकी बात को इस समय सुना जाएगा, आपकी बात को इस समय माना जाएगा, आप यदि कहीं अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वो चीज आपकी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे लंबे वक्त से तो आप बिल्कुल करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। हाँ, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि मतभेद के योग हैं, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो,
वाद विवाद हो, ऐसे योग मुझे यहाँ पर आपके साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद जो है वो हमेशा ही आप ना करें ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि आपके परिवार को किसी ने गलत कह दिया, आपके धर्म को किसी ने गलत कह दिया, आपके देश को किसी ने गलत कह दिया, तो क्या आप उससे मतभेद नहीं रखेंगे? क्या आप उससे वाद विवाद नहीं करेंगे? क्या आप उससे उसका विरोध, वैर विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए आपको वैर विरोध, और करना ही चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि आपके अपने जो हैं वो कहीं आपको गलत कह देते हैं, और फिर उनसे वाद विवाद और मतभेद हो जाता है, और वो आपके लिए घातक हो जाता है। तो आपको ये देखना है, मतभेद के योग तो है भाई, ये बात तो है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ मतभेद करें कहाँ न करें जिससे मेरा नुकसान हो। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको इस समय चलना है, क्योंकि मतभेद के योग तो मुझे आपके लिए आपके साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तनाव की स्थिति भी रहेगी भाई साथ। सीधी बात है ना, मतभेद जब होंगे, आर्ग्यूमेंट जब होंगे, वाद विवाद जब होगा, है ना, तो तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो ये तो निश्चित बात है, हो सकता है। तनाव से भी बचिए। आप यदि स्टूडेंट है तो खासतौर पर स्टूडेंट्स पर तनाव का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, तो आप यदि स्टूडेंट है तो ज़रूर से आपको ध्यान रखना है, तनाव से बचने का प्रयास करना है, एक बात। अगली बात ये कर्क राशि के लिए कहूँगा कि आपके जो आपका जो बिजनेस है, आपके जो काम है, जैसे नौकरी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, तो नौकरी बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से मुझे समय अच्छा दिखता है। अच्छा किस वे में दिखता है? आय के वे में, इनकम के वे में, पैसे धन के वे में, प्रतिष्ठा मान सम्मान के दृष्टिकोण से, है ना, मान सम्मान के दृष्टिकोण से समय मुझे बहुत अच्छा नजर आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कर्क राशि से कि प्रैक्टिकली घर से बाहर मतलब मैं धन पैसे आय इनकम प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ कि समय अच्छा है, लेकिन मतभेद आर्ग्यूमेंट या घर में परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद, उस दृष्टिकोण से समय खराब है। और फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जब आप वाद विवाद में रहते हैं, जब घर में माता पक्षी मतभेद होते हैं, तो स्वास्थ्य भी, फिजिकल हेल्थ भी खराब होता है, तो उससे जरा आपको बचना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने कहा था, स्टूडेंट्स को भी जरा, चूंकि तनाव ज्यादा होगा तो हो सकता है कि ये आप पर बुरा असर डाले, तो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर संभल कर रहने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी एक बात तो दोहराऊंगा जो कर्क राशि के लिए कही थी, कि आपको आपको अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आप रखें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य डावाडोल दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य आपको परेशान करता हुआ सिंह राशि के लिए मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक बात मैं यहाँ पर जरूर है। हाँ, स्वास्थ्य यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो मैं आपके धन आय इनकम पैसे भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से यदि कहूँ तो बहुत अच्छा वक्त है, बहुत शानदार वक्त है, आपको कुछ ना कुछ दिलवाने वाला वक्त है। हाँ देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिले, हाँ कुछ आप जो हैं वो यदि नौकरी कर रहे हैं, है ना, और आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको वो मिले। आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं, आप बड़ा ऑर्डर चाहते हैं, आपको वो मिले, है ना, या आप वाहन खरीदना चाहते हैं, वो आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ऑब्वियसली लाभ करना चाहेंगे, आपको लाभ मिले, आपको प्रतिष्ठा मान मान सम्मान आपको मिले, है ना, तो मुझे आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। बस स्वास्थ्य एक नेगेटिव है कि स्वास्थ्य का लाभ ना मिले, उसके अलावा सारे लाभ, जैसे पारिवारिक तौर पर परिवार का साथ आपको मिले, परिवार का प्रेम आपको मिले, है ना, तो ये वक्त पॉजिटिव आपको दिलवाता हुआ मुझे नजर आता है सारे वे में, सारे दृष्टिकोण से, बस स्वास्थ्य को डाउन कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का केवल आप ध्यान रख लीजिए। अच्छा, पहला सुख निरोगी काया, मैं हमेशा ये कहता हूं, मतलब पहला जो सुख है, पहली जो खुशी है, वो आप स्वस्थ शरीर के साथ है, यही है। तो अच्छा, वो नहीं, स्वस्थ शरीर नहीं होता फिर चिंता तनाव एंजाइटी भी बनता है आपको, फिर कुछ भी मिल जाए ना, आपके अपने बहुत आपके साथ में, पैसा भी आपके पास बहुत है लेकिन शरीर खराब है, तो बिल्कुल आप खुश भी नहीं रहते। थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखिए, बाकी सारी चिंताओं को बिल्कुल त्याग दीजिए, खत्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए,
सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि इस समय नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। तो विवाह भी आपका हो, विवाह तय हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, तो ऐसे योग भी हैं। लेकिन मेरा जो यंग बच्चे हैं उनसे कहना, और खासतौर पर बच्चियों से कहना यह है कि देखिए, लव जिहाद जैसी बड़ी बड़ी नीच प्रवृत्ति के लोग जो हैं, हाँ, दूसरे धर्म के लोग, वो हमारे हिंदू धर्म में लव जिहाद फैलाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चियों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रेम प्रसंग के योग बन रहे हैं, तो प्रेम प्रसंग के जब योग बन रहे, तो अब ये तो नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है, तो मेरा कहना ये बनता है कि यदि आप पढ़ाई करती हैं, मैं बच्चों के लिए भी ये बात कह रहा हूँ, लेकिन बच्चियों को ज़्यादा शिकार बनाया जाता है, इस वजह से मैं स्पेशली कह रहा हूँ, यदि आप पढ़ाई करते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आपको कोई नौकरी चाहिए, आपको कोई बिजनेस सेटल करना है, तो पहले आप उसको ध्यान दे लो, फिर कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी करना। पार्टनर ही चाहिए भाई, पार्टनर ही चाहिए ना, और पार्टनर चाहिए तो कुंडली मिलान करके शादी ही करो ना, वो भी तो आपके पार्टनर है ना। तो इस चीज़ का ज़रा आपको ध्यान रखना है स्पेशली। हाँ, धन आय इनकम पैसे के दृष्टिकोण से लाभ है, मन की खुशी है, ये वक्त आपको मन की भरपूर खुशी देगा, मन को आपके बहुत अच्छा रखेगा, खुश रखेगा, उत्साहित रखेगा, शांत रखेगा। धन के दृष्टिकोण से भी आपको लाभ देगा ये वक्त, और आय के दृष्टिकोण से भी लाभ देगा। तो यदि आप कहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप अपना निवेश ज़मीन में करते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई आप नया सोच रहे हैं और उसमें आप निवेश कर रहे हैं, तो निसंदेह आप बिल्कुल निवेश कर पाएंगे और आपको उसमें लाभ भी मिलेगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए कन्या राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई। अच्छा, यात्राओं के योग हैं, या यात्राएं, फिर वही बात कि चूंकि लाभ के योग हैं, तो यात्राएं आपको लाभ ही करवाएगी, कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ आपको दिलवा करके ही जाएगी, और पॉजिटिव आज दिलवा करके जाएगी। तो यात्राएं जरूर आप कर सकते हैं, और खास तौर पर यदि आपका कोई उद्देश्य है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, नया ऑर्डर लेने जा रहे हैं, बिजनेस यदि आप करते हैं, तो नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। और चूंकि ये वक्त मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ दिलवाता हुआ नजर आता है, या यात्राओं से लाभ करवाता हुआ नजर आता है, तो निसंदेह आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कन्या राशि के बाद थी, अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं, आपके पद में, आपके आपके आपकी हैसियत में उन्नति होगी। भाई देखे, आप यदि अभी तक क्लर्क हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अभी तक क्लर्क हैं, और आप जो हैं उसी से आपकी प्रतिष्ठा है, अब आप बन गए मैनेजर, है ना, तो कोई आपकी प्रतिष्ठा एज ए क्लर्क जितनी करता था, आप मैनेजर बन के आप देखिएगा, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके अपने ही, आपके वो लोग जो आपको नाम से पुकारते थे, वही अब आपको आप कहना शुरू कर देंगे, है ना। बहुत से लोग जिनका प्रमोशन होता है उन्हें पता है ये बात। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपकी उन्नति के योग है, पदोन्नति के योग है, आपको आपके आपकी प्रतिष्ठा में आगे बढ़ने के योग है, यश प्राप्ति के योग हैं। तो निसंदेह मैं ये कहूंगा तुला राशि के लिए कि इस समय नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है तुला राशि के। हाँ, नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है, पुराने रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह इस समय तय हो सकता है, नहीं तय हो तो विवाह तय करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो वो आपका सही कदम हो सकता है, सही निर्णय हो सकता है, इस समय लिया गया, इस सप्ताह लिया गया निर्णय आपके लिए सही हो सकता है। तो साप्ताहिक राशिफल में यहाँ पर तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि बहुत अच्छा समय है। तुला राशि के लिए एक और बात कहूंगा कि यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, है ना, रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आप भूमि में निवेश कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, आप उसमें निवेश कर रहे हैं, तो ये समय तुला राशि के लिए निवेश का भी है, निवेश से लाभ दिलवाने का भी है, और आपको आगे बढ़ाने का भी है, प्रतिष्ठा दिलवाने का भी है, सम्मान दिलवाने का भी है, ओवरऑल तुला राशि के लिए समय जो है बहुत अच्छा है। इस समय का आपको बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, चलिए
तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो व्यर्थ का विवाद हो, व्यर्थ के विवाद में आप फंसे, वाद विवाद मतभेद आर्ग्यूमेंट्स मुझे आपके साथ आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक जरूर से एक बात है, इसका आपको इसकी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये आपके कॉलिग के साथ भी हो सकता है, आपके आपके अपने बॉस के साथ हो सकता है ना, आपके अपने माता पिता या घर पति पत्नी के साथ हो सकता है, तो वाद विवादों से ज़रा बचने का प्रयास करिए, और ये घर के वाद विवाद हैं इस वजह से मैं कहूँगा, या ये वो वाद विवाद है जिनसे आपका नुकसान है, तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि वाद विवादों से इस समय आपको बचना है, बिल्कुल बचना है, पहली बात। अगली बात ये कि तनाव की स्थिति है, मन चिंता में रहे, तनाव में रहे, एंजाइटी में रहे, ऐसी स्थिति भी है, तो कोई भी महत्वपूर्ण यदि आपको डिसीजन लेना है, कोई बड़ा जीवन का कोई डिसीजन लेना है, तो इस समय तो कम से कम वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो आपको नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा समय रुक जाना चाहिए। यात्राएं भी यदि आप करते हैं, हालांकि यात्रा के योग तो बन रहे हैं, लेकिन यात्राओं के लिए मैं मना करूंगा आपको कि आपको यात्राएं इस समय नहीं करनी चाहिए, यात्राएं टालनी चाहिए, भाई योग बन रहे हैं तभी तो मैं मना करूंगा, तो योग तो बन रहे हैं लेकिन यात्राएं चूंकि अच्छी नहीं है, मन स्थिर नहीं रहेगा, या फिर वाहन या यातायात से मुझे कष्ट बनता हुआ आपके लिए नजर आता है, तो मैं आप वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूँगा कि इस समय अच्छा नहीं है, इस समय का थोड़ा सा शांति से रहना है, चिंता भी नहीं करना है, तनाव से भी बचना है, यदि आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए, जैसे होता है ना शेर को कोई शिकार चाहिए तो वो दो कदम पीछे लेता है, दैट नॉट मीन कि वो हार गया, तो आपको भी दो कदम पीछे लेना चाहिए यदि आपका काम आसानी से नहीं बन पा रहा है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। भाई धनु राशि के लिए एक बात कहूंगा, अपने खर्चों पर आप बिल्कुल काबू रखिए, खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं, खर्च आपके ज्यादा होंगे, खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं, या आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको लॉस हो जाए, है ना, ऐसे योग भी हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस समय निवेश करने का बिल्कुल भी योग नहीं है, मेरा कहने का मतलब है निवेश इस समय करना ही नहीं है आपको, निवेश करना मतलब कि लॉस खाना, तो वो आपका बिजनेस हो, वो आपका दोस्त कोई उधार मांग रहा हो, वो आप किसी प्रकार से भूमि में निवेश करना चाह रहे हो, आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, आप सोच रहे हैं कि मैं फ्लैट खरीद लूँ, और फ्लैट तो जो है वो तो पारंपरिक निवेश है ना रहने के लिए, लेकिन इस समय इस सप्ताह आपको ऐसा किसी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहिए यदि आपकी राशि धनु है, तो लॉस के योग हैं। और फिजिकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है यदि आपकी राशि धनु है तो, है ना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से आप ध्यान रखिए, और यातायात नियमों का पालन भी जरूर से आपको करना है, यातायात संबंधी कष्ट भी मुझे आपके साथ बनता हुआ नजर आता है, तो यात्राएं यदि आप टाल सकते हैं तो जरूर टालना चाहिए। हाँ, खर्च होगा, मैंने ये बात कही, लेकिन आय प्रॉपर होती रहेगी, आय में इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, मैं एक बात धनु राशि यदि आपकी है तो आपसे ये कह सकता हूँ, तो पारिवारिक स्थिति आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, चिंता की कोई भी बात नहीं, ठीक है। चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, बाहर घूमने फिरने आप जाएंगे भी, और परिवार के साथ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आपका कोई लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है नौकरी लगना, आपका लक्ष्य है बिजनेस को सेटल करना, आपका लक्ष्य डॉक्टर को दिखाना, आपका लक्ष्य शांति पाना कहीं बाहर जा करके, तो जिस लक्ष्य के साथ परिवार के साथ घूमने फिरने जाना, परिवार के साथ एंजॉय करना, जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे उस लक्ष्य में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे मकर राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है, तो बिल्कुल यात्राएं आप करिए भी, और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा भी है। हाँ, मन में थोड़ी चिंताएं जरूर रह सकती है, लेकिन फिजूल की चिंताएं रहेंगी क्योंकि लाभ आपको जरूर से मिल जाएगा, तो चिंता नहीं, केयर करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, केयर तो देखो करना चाहिए लेकिन चिंताओं से जरूर से हमेशा बचना चाहिए, तो चिंताओं से आप बचिए। और हाँ, वाहन प्राप्ति, यदि वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, यह वक्त है आपको वाहन दिलवाने वाला, भूमि दिलवाने वाला, या भौतिक दृष्टिकोण से कोई किसी प्रकार का सुख दिलवाने वाला, तो अच्छा समय है, बस चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए, ठीक है।
मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं, यात्राएं होंगी, लेकिन 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 एक अच्छी बात बताता हूं। अच्छी बात यह है कि आप जिन उद्देश्यों से स्थानांतरण आपका हो रहा है या कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। हो सकता है आपको प्रमोशन चाहिए, हो सकता है आप पढ़ने कहीं जाना चाहते हो और आप सोच रहे हैं कि ये कॉलेज से, ये कॉलेज या ये इंस्टीट्यूट से, इस इंस्टीट्यूट में मैं जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज़रूर से मिल जाएगा। इस डॉक्टर, मेरे लोकल में मैं डॉक्टर को दिखा रहा था, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मैं बाहर जा कर के दिखाऊँ, उससे मुझे ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। स्थानांतरण या फिर यात्रा, दोनों में से जो भी आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस उद्देश्य में आपको ज़रूर से लाभ मिल जाएगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश करते हैं, या शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं, जो आपके निवेश हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको ज़रूर से इस समय फ़ायदा दिलवाएंगे। आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए मैं कहूंगा कि आपका घूमना फिरना हो सकता है, यात्राओं के योग है। अब ये यात्राएं जो है ना, ये तीर्थ यात्रा या फिर किसी धार्मिक जगह पर कहीं घूमने फिरने जाना, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। परिवार के अधिकतर तीर्थ यात्रा पर लोग परिवार के साथ ही जाते हैं, तो परिवार के साथ भी बाहर घूमने फिरने जाने का मौका इस समय मिल सकता है आपको। अच्छा, धर्म के प्रति, धार्मिक कार्यों में रुचि इस समय आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ सकती है ना, ये भी आपके साथ हो सकता है, तो ये भी एक बात है। हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना है। जब हम ज़्यादा घूमते फिरते हैं या बाहर जाते हैं, कुछ खाने पीने में आता है, तो फिर फिजिकल हेल्थ गड़बड़ जाती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दें, अन्यथा सारी चीज़ें अच्छी हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से तो मुझे ये वक्त बहुत अच्छा आपका बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थितियाँ मीन राशि के लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार बनती हुई नजर आती है। स्पेशली यदि कहीं आप संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उस विषय में भी कहीं खुशखबर आपको मिल जाएगी। या विवाह के इच्छुक हैं तो उस विषय में भी आपको खुशखबर मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपके लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को इस समय बढ़ाने वाला है। तो कोई नया डिसीजन आप यदि ले रहे हैं अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको ये वक्त फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टिकोण से जरूर से लाभ ही दिलवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा और जाना कि आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, साप्ताहिक राशिफल कैसा होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आप लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं कि आप समझ में भी आई है और पसंद भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।